ठीक है, एक छोटा सा सवाल, इसकी जानकारी करिए कि एलईडी वैन इनकी कब तैयार थी, कब तैयार थी, इनके बारे में आपको जानकारी नहीं हासिल है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी नहीं तैयार हो सकती, इतने भोंपू जो लगा करके गाड़ियां चार पहिए घूम रही हैं, सब झूठ फैलाने पहुंचेंगे, इनको पहले से पता था। तो आप चुनाव आयोग पर ही सवाल, मैं चुनाव आयोग को शिकायत करूंगा, मैं चुनाव आयोग को शिकायत जरूर लिखूंगा इस बात की। कितनी शिकायतें आप चुनाव आयोग से करेंगे? समाजवादी पार्टी ने अब ओपिनियन पोल को लेकर भी शिकायत कर दी है। अच्छा, विधायक कूटे जा रहे हैं, विधायक गांव में नहीं घुस गए, विधायक पिट रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हो सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है। ये सर्वे में कब आएगा कि इनके विधायक कूटे गए, इनके डिप्टी सीएम का विरोध हुआ, ये सर्वे में कब आएगा? ये तो नहीं आ रहा सर्वे में। अगर सर्वे में विधायक पीटे जा रहे हैं या कूटे जा रहे हैं और सर्वे में सीटें जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो जनता का आक्रोश वोट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपको लग रहा है कि ओपिनियन पोल प्रदेश का माहौल चेंज कर देगा, इसलिए ओपिनियन पोल पर बैन लगा दिया है? टीवी बदल पा रहा है ना, ओपिनियन पोल बदल पा रहा है, जनता अपनी महसूस कर रही है। जनता को डीजल खरीदना है, वो जानते हैं डीजल कितना महंगा हुआ है, जनता खुद महसूस कर रही है, उनकी गाड़ी नहीं चल पा रही है, उन्हें भरोसा दिलाया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, आज वो गाड़ी नहीं चला पा रहे, इतना पेट्रोल महंगा है, महंगाई बढ़ गई है, उनके बच्चे के घर में नौकरी नहीं मिली है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें बेरोजगार न बैठे हो, इसका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी की इतनी खामियां आप गिना रहे हैं, उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपके ही परिवार से लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हाथ में थाम ले रहे हैं? मैंने कहा हमारी पार्टी से विचारधारा का विस्तार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत विस्तार करती है ना अपनी पार्टी का, तो हमारे पार्टी में भी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इस बात का दुख है आपको कि अपर्णा यादव बीजेपी में चली गईं? नहीं, मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंचेंगे, आने वाले समय में लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसा बचे, उसकी भी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी थामा। वो तो पहले से ही प्रभावित थी, बहुत दिनों से प्रभावित थी, वो आपसे प्रभावित नहीं थी। इसलिए मुझे खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण को बचाने की, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए इन तमामों पे बहस होगी। क्या वो आपसे प्रभावित नहीं थी? नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी विस्तार के लिए तो हमें खुश होना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद कह रहे थे, हम उनको धन्यवाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, कम से कम हमारा परिवारवाद आप खत्म कर रहे हो, हमें बहुत बहुत बधाई आपको। जसवंत नगर सीट से आपने शिवपाल जी को टिकट दिया, साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही वो मैदान में हैं? क्योंकि उनका जो चुनाव था आखिरी वक्त में बदल गया, चाबी थी चाबी खो गई, चाबी बदल गई, अब उनको स्टूल मिला। खो गई या साइकिल में लग गई? नहीं, जो चाबी जो चुनाव चिन्ह था वो बदल गया, अब उनका चुनाव चिन्ह स्टूल है, तो स्टूल इतनी जल्दी प्रचार नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कहा कि चाचा, और चाचा भी ये चाहते थे कि वो साइकिल पे लड़े, तो मैंने कहा साइकिल को सब जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही आप लड़िए। मतलब लाल टोपी पहनकर ही वो चुनावी मैदान में? नहीं, नहीं, लाल टोपी चुनाव चिन्ह नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन साइकिल दी उनको मैंने। आपकी जो पहली फोटोज चाचा भतीजे के सामने आई थी, उसमें अंतर बस ये था कि वो सेम कपड़े में थे लेकिन उनके सिर पे टोपी नहीं थी, आपने टोपी पहनी हुई थी, इस वजह से मेरा ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के साढ़ू साहब, उनके समधी, ये सब लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा परिवारवाद खत्म कर रहे हैं। फिर आपके पास क्या बचेगा? आप पे आरोप क्यों लगाते थे? सबसे ज्यादा आरोप हम पे लग रहा है, मैं देखता हूँ टीवी पर आधे आधे घंटे में हमारे परिवार के प्रोग्राम चल रहे हैं, कम से कम देश के बड़े बड़े नेता हैं, उनके गांव दिखाइए कि उनके गांव के हालात क्या हैं, उनके परिवार के बारे में दुनिया जाने, देश जाने कि उनका परिवार कैसा है। अरे, हमारे परिवार का तो बहुत प्रचार कर दिया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने परिवारों के बारे में प्रचार करे, क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार? और मुझे तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर हमारे लोगों को लेकर के उनको अपनी पार्टी में शामिल करें, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। आखिरी के दो सवाल मैं पूछूंगी, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, उनके सामने समाजवादी पार्टी पे कई प्रत्याशी हैं, और आने वाले समय में पार्टी के संगठन से पूछ करके और राय बना करके चुनाव का प्रत्याशी घोषित होगा। राधा मोहन दास अग्रवाल जो चार बार के बीजेपी के वहां से विधायक, उनको भी आप लोग बहुत फोन कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं? वो एक अच्छे इंसान है, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, वो पॉलिटिकल और जागरूक इंसान है, डॉक्टर के होने के नाते वो जानकारी रखते हैं। मुझे याद है जब मैं विधानसभा में सदस्य था, मुख्यमंत्री था, तो जो बिंदु राधे मोहन अग्रवाल उठाते थे, कई सदस्य उन बातों को नहीं जानते थे, तो अलग से भी मैं उनसे कहता था कि आप ही वो हैं जो हमारे बजट के बारे में जानकारी रखते हैं और जानकारी रख करके हमसे सवाल पूछते हैं। अब इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसका दूसरा सीधा मतलब है आप चाहते हैं कि वो समाजवादी दूसरा पार्टी में आ जाएं। उनके कहने से अगर मुझे गोरखपुर में फ्लाईओवर देना पड़ा तो फ्लाईओवर दिया मैंने, उन्होंने कुछ अगर विकास के लिए कहा तो मैंने
उनके कहने से कई चीजों पर काम किया है। सवाल ये नहीं कि हम चाहते हैं कि वो आपके टिकट पर चुनाव लड़े। नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये मान ले हम उनके परिवार में झगड़ा नहीं कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जो घरों में भी झगड़ा करा देंगे, घरों में भी खाई पैदा कर देंगे। तो आप राधा मोहन को नहीं ले रहे हैं पार्टी में? नहीं, अगर राधा मोहन जी से मेरी बात नहीं हुई इधर मेरी बहुत दिनों से। आप चाहते हैं जब वो कोरोना में कोरोना में जब उनके मोहल्ले में लोग परेशान थे, जब पानी में गोरखपुर के लोग डूबे हुए थे, तब मेरी बात हुई उनसे। मैंने कहा बताओ कैसी सर मुख्यमंत्री है जो मेट्रो नहीं चला पाए, वो नाव चल रही बताओ गोरखपुर में, नाव से लोग चल रहे, महीनों पानी रहा, क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? जनता गोरखपुर की उनसे पूछेगी ट्रैफिक की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, सीवर लाइन क्यों नहीं बना, यहाँ की गंदगी वैसी की वैसी क्यों है, और जो शहर की सुविधाएं होनी चाहिए अर्बन प्लानिंग की वो क्यों नहीं की गई। ये इस तमाम सवाल का जवाब देना पड़ेगा।